भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में योग का अभ्यास करते हुए जिसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस महामारी से हम लड़ने में समर्थ होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक एक आसन का अभ्यास करते हुए आपको दिखाऊंगा और आपने मेरे साथ साथ योग अभ्यास करना है। जो बच्चा अपने घर पर रहते हुए योग का अभ्यास करेगा उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ होता है कि शरीर से रोगों के लड़ने की क्षमता, वो किससे पैदा होगी? योग से। योग का अर्थ तो बताते हैं कि लोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मैं इतनी डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपको इतना ही बता रहा हूँ कि हमारी शरीर के या बॉडी की ह्यूमन पावर कैसे बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, वो हम अगर योग करेंगे तो बढ़ेगी। ईमानदारी से जो बच्चा हमारे साथ करेगा उसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ताड़ासन। ताड़ासन में अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई में खोल लेना और नज़र आपके सामने रहेगी और हाथों को सिर पर रख लेंगे और हमारे हाथ भी कंधे की चौड़ाई में ही खुलेंगे और बिल्कुल नज़र सामने ऐसे बिल्कुल ब्रीथ लेते हुए, सांस लेते हुए अपनी चेस्ट में और बिल्कुल अपने पंजों के बल खड़ा होना। जिन बच्चों की हाइट नहीं निकलती है ये आसन उनके लिए बेहतरीन आसन है। अगर आप इसको एक मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इस आसन को करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम बढ़ाते हुए जाओगे तो ये ताड़ासन आपके हाइट में तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ हाथों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, पैरों के दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है ताड़ासन। बिल्कुल नज़र सामने, अपने हाथों को पैरों को बिल्कुल खींच लेना है, नज़र सामने बिल्कुल। और मैं आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक ये चीज़ करके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। अब बच्चों, मेरे साथ साथ आपने कर लेना है, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा आपने बिल्कुल करना है और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। और एक बार फिर मैं इसी आसन को दोबारा फिर रिपीट और एक ही पोजीशन में सांस लेते हुए सांस को रोक लेंगे और सांस को बिल्कुल छोड़ दो। इसको आप सांस के साथ भी कर सकते हो, सांस लेना छोड़ना, ब्रीथ को लेना छोड़ना। यह भी इसकी प्रक्रिया है। तो ये बच्चे, ये था हमारा ताड़ासन। इसमें हाइट ग्रोथ करेगी, जिनको मांसपेशियों में बेकार के दर्द होते रहते हैं वो दर्द भी ये समाप्त करेगा। अब हमारा है दूसरा आसन, त्रियक ताड़ासन। इसी पोजीशन में जाएंगे
और कंधे की चौड़ाई में हमारे हाथ खुलेंगे, नज़र सामने रहेगी और बिल्कुल अपने हाथों को खींच लेना है और ऐसे बिल्कुल तिरछी नज़र आपके सामने रहेगी, बिल्कुल ऐसे मुड़ जाओ, खींच के रखो अपने आप को, बिल्कुल खींचो जितना खींच सकते हो। जब तक यहाँ का खिंचाव नहीं होगा तो ये समझ लेना ये आसन हमारा अधूरा है। नज़र सामने बिल्कुल ऐसे, इसको भी आप एक मिनट से लेकर के 5 मिनट 7 मिनट तक आप कर सकते हो। और मैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि 20 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ के दर्द, यहाँ का जिनके चर्बी एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है वो चर्बी यहाँ पे नहीं मिलेगी। जिनके यहाँ काफ़ी फैल चुके होते हैं, बच्चे भी मोटे हो जाते हैं कम उम्र में, जो बिल्कुल भद्दे लगते हैं और हम सुंदर दिखाई नहीं देते। अगर आप बच्चों को सुंदर दिखाई देना है और यहाँ की चर्बी को समाप्त करना है, इसको ईमानदारी से करते जाओ। ऐसे बिल्कुल खड़े खड़े ही आपको पसीना आ जाएगा, पहले वार्म अप होना है और फिर मेरे साथ लगे रहना है। ऐसे बिल्कुल दब दूसरी साइड, ये नज़र बिल्कुल सामने, खींच के रखो हाथों को। इसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे बिल्कुल खींच के रखो। यहाँ दर्द होगा कोई बात नहीं, शुरू शुरू में मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, उसे घबराना नहीं है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, रिलैक्स वापस। ये आपने, ये मैंने दो आसन आपके सामने रखे, ताड़ासन नंबर दो था तिर्यक ताड़ासन। अब हम करेंगे वृक्षासन, जो वृक्ष की भांति बिल्कुल स्थिर होकर रहना। आसन किसका नाम है, योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम आसन। आसन हमारा चौथा पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है आसन। आसन का अर्थ होता क्या है, स्थिर सुख मासनम, यानी एक स्थिति में स्थिर होकर के रहा जाए, एक स्थिति में बिल्कुल स्थिर होकर के, खड़े होकर के करें चाहे बैठ करके करें, बिल्कुल एक स्थिति में रहना आपको। जब आप एक स्थिति में रह जाएंगे तो उसी का नाम है आसन है, एक ही अवस्था में रहना है तो उसी का नाम आसन है। अब है बच्चों वृक्षासन, वृक्ष की भांति बिल्कुल स्थित रहना है, बिल्कुल वृक्ष की भांति आपको स्थिर रहना है। और जिन बच्चों की स्मृति पावर, यानी जिन बच्चों को याद करने के बाद याद नहीं रहता, स्टडी में ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, माता पिता परेशान हैं इनका क्या किया जाए, अगर इस आसन को आप कम से कम डेली रूटीन में अभ्यास में करेंगे, बिल्कुल ध्यान और नज़र सामने रहेगी, हाथ आपके ऐसे मिलेंगे वृक्ष की भांति आपको खड़े रहना, और ये आपकी एड़ी आपकी जंगा में लग जाएगी और नज़र बिल्कुल सामने, आपकी 100% स्मृति पावर बढ़ेगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा और नज़र सामने। इसको भी आप 1 मिनट से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट जितना आप कर सकते हो इसका अभ्यास करो, आपका ध्यान इसमें। तो हमारे महापुरुषों ने इस आसन में रहते हुए समाधि भी प्राप्त की है, मोक्ष भी प्राप्त किया है, तो इस आसन में आप करते हुए बिल्कुल एक ही अवस्था में खड़े रहना। इसको भी इसी प्रकार से 30 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। अब इस प्रकार से इसमें रिलैक्स होते हो, इसको बारी बारी से दोनों पैरों से कर सकते हो। अब दूसरे पैर से ऐसे पैर को उठाना है और बिल्कुल अपनी जंघा में ऐसे इस प्रकार से करके लगाना, बिल्कुल नज़र सामने और हाथ आपके ऐसे बिल्कुल योगियों की तरह, बड़ा आपका चेहरा सुंदर लगेगा, बड़ा आप मॉडल की तरह दिखाई दोगे, बिल्कुल नज़र सामने और चेहरे पर आपके तेज आ जाएगा जी, आप लगातार कंटिन्यू इनका अभ्यास करोगे तो। इसको भी बच्चे 30 सेकंड तक इस प्रकार से, एक बार फिर बता रहा हूँ, पैर को यहाँ लगा दो बिल्कुल जंघा और नज़र सामने है। साधारण आसन लेकिन है बड़े कारगर, बड़े बढ़िया आसन है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। ये था आपका वृक्षासन। अब बच्चों करेंगे हम त्रिकोणासन। पैरों को बिल्कुल इतना गैप कम से कम कर लो और जहाँ आपके हाथ और ऐसे बिल्कुल नज़र सामने, पैरों को खोल करके ये हाथ आपके कान के साथ सटा हुआ आएगा और नज़र सामने, इसी का नाम है त्रिकोणासन। यही त्रिभुज अवस्था में हम होते हैं, इसी का नाम है त्रिकोणासन। नज़र बिल्कुल सामने और हाथ ऐसे चलाते हुए, कहीं इसको ऐसे करके दिखाते हैं, कहीं इसको ऐसे करके दिखाते हैं, इसी में लोगों ने एक्सरसाइज भी बना रखी है ऐसे। तो अगर सही इसके पोस्चर में जाना है और इन चीज़ों को घटाना है, साइड की चर्बी और यहाँ पे दर्द भी होते हैं, मैंने लोगों को यहाँ ऑपरेशन तक होते हुए देखे हैं, और आपको इनसे बचना है और कोरोना की इस महामारी से बचना है। इस मुश्किल घड़ी में अगर हमने पार उतरना है, एक समय ऐसा आएगा, भारत सरकार छूट भी दे रही है, अब धीरे धीरे हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी ज़्यादा है, आपकी इम्यून पावर ज़्यादा है, शरीर की पावर ज़्यादा है, तो आप घर से निकलो। अगर आपके पास कोरोना आ भी गया तो थोड़े दिन के बाद आप वापस फिर घर आ जाओगे, वरना आपको छू तक के भी कोरोना की महामारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपको छू भी नहीं सकता। तो बच्चों ये है आपका त्रिकोणासन। ऐसे बिल्कुल यहाँ पे खिंचाव होना चाहिए आपका, घबराना नहीं है, जितना खिंचाव होगा समझ लेना कि आपका आसन बढ़िया। आप हाथ को नीचे तक लेके जा सकते हो धीरे 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 ऐसे, और नज़र सामने, और इसको बिल्कुल 30 सेकंड, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। वेरी गुड। अगर शरीर में कंपन भी हो जाए तो घबराना नहीं, एक दिन ऐसा आएगा आपके शरीर की कंपन भी गायब हो जाएगी। एक हमारे संस्कृत में एक सूत्र आता है, द्वंद्वं सहनम, यानी द्वंद्वों को सहन करना, सुख दुख लाभ हानि इनसे परे हो जाना, उसी का नाम है तप है। इस प्रकार के द्वंद्वों को अगर हम सहन कर लेंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, तो हम इस संसार रूपी सागर से भी पार उतर जाएंगे और हम अच्छे तपस्वी भी सिद्ध हो जाएंगे। तपस्वी का मतलब ये नहीं कि साधु संत जाकर के वन में बैठ कर तपस्या करते हैं, घर में रह के भी तपस्या होती है। एक गृहस्थ अपने निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वो भी आपकी तपस्या ही है। आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हो,
आप मेहनत करो एक दो, ये देखो दोनों पैर आपके सीधे, नज़र सामने, ये ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। वेरी गुड, ये था आपके सामने त्रिकोण आसन। अब बच्चों आपके सामने है गरुड़ आसन, जो महर्षि पतंजलि ने गरुड़ पक्षी से लिया है, तो इसी का नाम है गरुड़ आसन। इसमें मैंने बताया था कि पैर हाथ थोड़ी साइड की चर्बी त्रिकोण आसन समाप्त करेगा। अब पैरों में जो दर्द होते हैं वो करेगा गरुड़ आसन। ये पैर बिल्कुल आपने मोड़ लेना है, नज़र सामने रहेगी, और ये पैर बिल्कुल इसके ऊपर ले आओ ऐसे बिल्कुल, और इसको इस पैर में फंसा लो। ये बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि बहुत अच्छा आसन करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति उनके माता पिता तक इस आसन को कर लेंगे, घबराना नहीं है ये बिल्कुल। और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। ये बिल्कुल, ये देखो बैलेंस ऐसे बना लेना, घबराना नहीं इससे, और शुरू शुरू में पैरों में दर्द होंगे उससे भी नहीं घबराना। मांसपेशियों में क्रैक तो आते ही हैं, उन क्रैक को भरने के लिए आपने भोजन का ध्यान रखना है, ऐसी भोजन में ऐसी चीज़ों को नहीं लेना है जो ऐसे बिल्कुल पैरों को फंसा ले, जो शरीर को नुकसान करे, जैसे लस्सी है उससे शरीर आपका ज़्यादा कट जाएगा, ये गरिष्ट भोजन में आता है। अगर आपने लेनी भी पड़ जाए तो 12 बजे से पहले पहले लस्सी पियो, भोजन के साथ ले सकते हो, दूध का प्रयोग मत करो क्योंकि मिर्च और नमक का दूध के साथ विष का संबंध बन जाएगा, जहर का काम करेगा। तो अब ये ऐसे पैर को फंसा लो, नज़र सामने, अब ये पैर ऊपर है तो मेरा हाथ ये ऊपर जाएगा, नज़र बिल्कुल सामने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। ये देखो, अब मैं साइड से भी इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी और समझ में आ जाए। पैर को बिल्कुल ऐसे मोड़ लो, ये, और ये पैर ऊपर ले आओ, दोबारा फिर बता रहा हूँ, और इसको ऐसे रख लो बिल्कुल, घबराना नहीं इसको, ऐसे इसमें फंसा दो इस पैर को, जब ये अंदर फंस जाए तो ऐसे बिल्कुल सामने नज़र होने चाहिए, और ये मेरा पैर ऊपर है तो ये हाथ ऊपर आएगा ऐसे, ये, और ये बिल्कुल ऐसे, इसी का नाम है गरुड़ आसन, ये ऐसे। अब इस पैर से भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ये पैर, इसको ऐसे ये पैर ऊपर ले लो, बारी बारी से आप एक एक पैर से कर सकते हो, ये पैर मेरा ऊपर है, ये हाथ मेरा ऊपर आ जाएगा, और ये नज़र बिल्कुल सामने, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये तो हम जगह जगह स्लोगन पढ़ते रहते हैं। कोई भी आसन है नज़र आपके सामने होनी चाहिए, यही मैंने त्रिकोण आसन में बताया और यही मैंने गरुड़ आसन में बताया। अब आपके सामने मैं कर रहा हूँ वाद अंगुष्ठ आसन। ये देखो मेरा हाथ यहाँ पे है, हाथ आपको क्रॉस लेके जाना है, इसको ऐसे पकड़ लो बिल्कुल नज़र सामने, ऐसे बिल्कुल ऐसे देख लो, दोबारा फिर करके दिखा रहा हूँ, ये हाथ मेरा यहाँ पे, और ये हाथ से दूसरे हाथ से मैं
पैर के अंगूठे को पकड़ो, इसी का नाम है पाद अंगुष्ठासन, यानी पैर के अंगूठे को पकड़ लो, निचला पैर भी सीधा रहेगा और ऊपर वाला पैर भी सीधा रहेगा। ये भी पैरों की मांसपेशियों के दर्द और यहाँ के दर्द बिल्कुल समाप्त कर देता है। नज़र सामने, ऐसे वीरों की तरह सीना न तान करके खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, ये ऐसे। इसको भी आप ऐसे, अब ये हाथ मैंने यहाँ, इस हाथ से मैंने ये पकड़ा था, ये हाथ मेरा यहाँ पे था, अब ये हाथ यहाँ पे आ जाएगा और इस हाथ से बिल्कुल क्रॉस करके पकड़ लो, दोनों पैर सीधे, नज़र सामने, ऐसे वीरों की तरह। भारत माता की संतान हो तो वीरों की तरह जीवन जीना चाहिए। अब ऐसे दोबारा फिर देख लो, साइड से आपको करके दिखा रहा, हाथ मेरा ये यहाँ पे, एक पुल्ले पे हमारा हाथ आ जाएगा, दूसरे पे हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे, बिल्कुल नज़र सामने, ऐसे बिल्कुल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, वेरी गुड। ये था आपका पाद अंगुष्ठासन। अब है बिल्कुल, तो जो बच्चा, जिसके माता पिता या जो व्यक्ति इसको ईमानदारी से करेगा, लाभ या बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे। अब आपके सामने है नटराज आसन, हाथ सामने, नज़र सामने। कई योगी इसको यहाँ से पकड़ के भी कर लेते हैं, कई यहाँ से पकड़, जहाँ यहाँ से यहाँ तक पैरों को कहीं से भी पकड़ सकते हो, और बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाना है, मन को बिल्कुल स्थिर करके। जिनके मन में चंचलता है, वो चंचलता भी हमारी दूर हो जाएगी, और कमर में छोटे मोटे दर्द हो भी दूर हो जाएंगे। ऐसे आप ध्यान योग में, हमारे आचार्य जी भी बार बार बताते रहते हैं कि ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाने का आपको तरीका भी बताया उन्होंने कि यहाँ आज चक्र में ध्यान लगाओ। तो आप ऐसे बारी बारी से ये पैर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, वेरी गुड। अब दूसरे पैर से इसी प्रकार से करना, इतने मुश्किल नहीं है, हैं बड़े कारगर। एक एक आसन को ईमानदारी से करते जाओ, ये ऐसे पैर पकड़ करके बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा दो, नज़र सामने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस। ये नटराजासन दो प्रकार से होता है। जब इसका आप पूर्ण अभ्यास कर लोगे, इसको इस प्रकार से कर दोगे, पैर बिल्कुल आपका सीधा ही रहेगा, नज़र सामने। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, दूसरी प्रकार से। ये जब आपका अभ्यास होता, देखो हाथ मेरा कैसे है, इसको धीरे से ऐसे घुमा लो, कुछ नहीं होता, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह,
सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, ये बिल्कुल आराम से इसको छोड़ दो। अब दूसरे पैर से भी ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, नज़र सामने, ये देखो पैर को बिल्कुल पकड़ो, आपको तुरंत पसीना आएगा अगर एक मिनट से दो मिनट तक एक एक आसन में पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग पसीने से सुबह सुबह भीग जाना चाहिए। अब देखो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मुझे तो पसीना भी आ चुका है। ये अब देखो ये ऐसे हाथ को घुमा लो, बिल्कुल ऐसे, घबराना नहीं, बारी बारी से, ये देखो नज़र बिल्कुल सामने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, ये बिल्कुल आराम से इसको छोड़ दो, कुछ नहीं। अब आपके सामने बचो पादस्थास, बिल्कुल दर्द होंगे हल्के हल्के, टेंशन मत लेना दोनों पैरों को मिला करके। इसको आप तीन तरीके से कर सकते हो, ये देखो ऐसे पैरों को पकड़ लो बिल्कुल और सांस लेते हुए, वैसे तरीका तो ये होता है ऊपर हाथ गए हमारे कान से सटे हुए, सांस लिया अपनी चेस्ट में भर लिया और नीचे की तरफ आ गए, अर्जुन बनो अर्जुन, ये ऐसे भी आप कर सकते हो इसका अभ्यास, टेंशन ना लो, ऐसे पकड़ लो स्टार्टिंग में, ऐसे नहीं होगा तो इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करते हुए, कर्म से अर्जुन बनो वाणी से नहीं, ऐसे सांस लेते हुए ये बिल्कुल ऐसे मिला दो, घबराना नहीं, ये आपका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से पैर पकड़ो, टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ऐसे हाथ रख के स्टार्टिंग में हो जो इसका ऐसे अभ्यास करते रहो। और तीसरा तरीका है साइड में हाथ रखो और बिल्कुल इसको ऐसे मिला, एक तरीका दोबारा फिर बता रहा हूँ, वन अब दूसरा फिर बता रहा हूँ, ऐसे एडी से पकड़ लो, ये देख लो यहाँ से पकड़ो, साइड से भी आपको करके दिखा रहे हैं, ऐसे मिला दो वीरों की तरह, जो वीर कायरों की तरह नहीं, ये वरना अगर कायर बन के जियोगे दूसरे दिन हमारे घर में कोई घुस करके बैठ जाएगा, फिर देखते रहना। ऐसे ह्यूमन पावर को बढ़ाने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे बारी बारी से, वन फिर टू फिर थ्री, चेस्ट हमारी यहाँ तक जाएगी, ये देख लो और फिर ऐसे बिल्कुल खींच दो। ये थे बच्चे आपके सामने आसन, मैंने पहले भी बताया था योग के आठ अंग होते हैं, चौथा पार्ट होता है हमारा आसन। और अब आपके सामने है दंड, दंड लगाना वीरों की तरह, बच्चे कहते हैं कि हमारी बॉडियां नहीं बनती, ऐसे बॉडी कैसे बनेगी घर में रहते हुए, कैसे अभ्यास करेंगे। कई बच्चे जिम से भी परेशान हैं कि जिम नहीं खुल रहे हैं, तो घर में रहते हुए भी वो दंड लगा सकते हैं। ये देखो स्टेप कैसे करना है, ऐसे पर्वतासन की तरह जाना है, ये तो होता है पर्वतासन, ठीक है, आपको ऐसे जाना है और नज़र सामने, जैसे एक दो और तीन,
ये एक और दो और तीन, ऐसे ऐसे लगा सकते हो। ऐसे जो जवान बच्चे हैं, और जवान बच्चे तो लगा ही सकते हैं इसको, आपकी चेस्ट भी फूलेगी और आपकी बॉडी भी तैयार हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर देख लो, एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो और तीन, ऐसे आप दंड भी लगा सकते हो। ये मैंने आपके सामने आसन और एक दंड लगानी आपको सिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप इसको ईमानदारी से करेंगे, इनके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। जो बच्चा ईमानदारी से करेगा, कोरोना महामारी की इस घड़ी में उससे लड़ेगा भी, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसका अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। देखो, ईमानदारी से करोगे तुरंत एक घंटे से पहले ही आपको पसीना, आपका एक एक अंग पसीने से भीग जाना चाहिए। डेली पसीने से नहाओ, जो बच्चा पसीने से डेली नहाएगा उस वो कभी भी उसके पास रोग या कोई प्रकार की बीमारी, वो किसी भी प्रकार का वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चों ईमानदारी से करना। जय भारत, जय हिंद, और जय भारत माता की। वंदे मातरम।